मखाना सेहत के लिए सबसे अधिक लाभकारी है। लोग मखाना का सेवन अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को मखाना फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचाता है। मखाना में आयरन, फाइबर, प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, जो सेहत के लिए सबसे ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोगों को मखाना सूट नहीं करता है, इसलिए सभी को मखाना नहीं खाना चाहिए। आइए जानते हैं मखाना का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए। किडनी की समस्या। जिन लोगों को किडनी की समस्या है, उन्हें मखाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मखाना में पोटेशियम भरपूर होते हैं, जो किडनी को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको किडनी से जुड़ी कोई भी परेशानी है, तो मखाना ना खाएं। डायबिटीज। जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं, ऐसे में उन्हें मखाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि मखाना खाने से इंसुलिन लेवल्स बढ़ सकते हैं, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए सबसे अधिक खतरनाक होता है। इसलिए डायबिटीज में कभी भी मखाना का सेवन नहीं करना चाहिए। डायरिया में। अगर आपको डायरिया है, तो मखाना ना खाएं। मखाना में फाइबर होता है, जो डायरिया को और भी बढ़ा सकता है। ऐसे में आपको मखाना खाने से बचना चाहिए। ब्लोटिंग और कब्ज में। जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं हैं, उन्हें मखाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मखाना खाने से पेट फूलने की समस्या और भी बढ़ सकती हैं। मखाना कब्ज का कारण भी बनते हैं, इसलिए जिन लोगों को कब्ज हैं, वे मखाना खाने से बचें। गर्भावस्था में। अगर आप गर्भवती हैं, तो मखाना ना खाएं, क्योंकि इससे आपको कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।